नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अपहृत रजनीश के परिजनों से मिले पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह व विधायक राम रतन सिंह। तिगरा प्रखंड अंतर्गत आधारपुर ग्राम से शुक्रवार की रात राम विनय सिंह के 18 वर्षीय नाती रजनीश कुमार का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने युवक की सकुशल बरामदगी और दोषियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर शनिवार को NH-28 को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। SDPO के आश्वासन के बाद लोगों ने NH-28 पर से जाम हटाया था। 10 जुलाई रविवार को अपहृत परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं तेगरा के विधायक राम रतन सिंह एवं भाकपा के जिला सचिव अवधेश राय ने उनके आवास पर पहुंचकर रजनीश के परिवार एवं स्थानीय लोगों से पूरी घटना का जायजा लिया। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि इस तरह की दूसरी घटना घटित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तेगरा के अंदर लगातार हत्या अपहरण जैसे वारदात को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी बेलगां होते जा रहा है। लोग दहशत की जिंदगी से जीने को मजबूर हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विधायक राम रतन सिंह ने कहा कि 3 माह के अपहरण की यह घटना दूसरी है। एक अपहृत का जब अब तक सुराग नहीं मिला, थाना क्षेत्र में 3 माह के भीतर अपहरण की दूसरी घटना घटित हो गई, जिसमें पिढौली के किसान राम सोबित राय के दूसरा पुत्र निकेश कुमार अभी तक नहीं लौट पाया है। यह मामला अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। जिला मंत्री अवधेश राय ने तेगरा के विधि व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास खत्म होने के कगार पर है। ज्ञात हो कि अपहृत रजनीश कुमार बछवाड़ा प्रखंड के हाजीपुर का निवासी था, आधारपुर ननिहाल है। उसके पिता स्वर्गीय मुकेश कुमार सिंह थे, जिनका 2022 के किसी ग्रामीण के वारात से वापस लौटने के समय उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। तब से रजनीश की मां अपने एकलौता पुत्र की सुरक्षा के लिए नानी के गांव आधारपुर में गृह निर्माण कर रहने लगी। अब रजनीश की मां को आशंका है कि उसके पिता के हत्यारों ने सुनियोजित साजिश के तहत उनके पुत्र का गलत नियत से अपहरण कर लिया है। मिलने आए तीनों नेता ने परिवार वाले को ढांढस दिलाते हुए पूर्व सांसद ने बेगूसराय के SP से फोन कर रजनीश की सकुशल वापसी के लिए त्वरित पहल करने की बातें कही। साथ में भाकपा अंचल कार्यालय सचिव सुरविंद्र कुमार, अंचल परिषद सदस्य प्रदीप कुमार चिंटू, किसान नेता दिनेश सिंह, जिला सचिव मंडल के सदस्य जुलूम सिंह, कार्यकारी अंचल मंत्री परमानंद सिंह, AISF के अंचल सचिव मोहम्मद हसमत उर्फ बालाजी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित होकर घटना के परिप्रेक्ष्य में विमर्श करते हुए रजनीश की माता बॉबी देवी सहित परिजनों को ढांढस दिलाते हुए आश्वस्त किया। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। एकता अपराध हमारे गांव में हुआ, बेकसूर एक मासूम का अपहरण हो गया, पता नहीं कि वह जिंदा है कि दुनिया से, वो जो पिढौली वाला उनको जो मार दिया, नरकंकाल लेता है। तो मैं तो खुद दहशत में बहुत दुखी हूँ। ये दूसरी घटना है और आधारपुर में इस तरह की घटना मैं तो समझता हूँ कि इस गांव से तो मुझको 50 साल का रिश्ता हो गया है। ये पहला घटना मेरी यादगारी है, आप लोग ज्यादा जानते हो। गांव सब खराब और अच्छा सब लोग रहते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन हमारा यह गांव अपवाद में सब लोग अपना अपना काम करना, और यहाँ घर से एक मासूम को उठाकर ले जाने का दुस्साहस कोई अपराधी करे, यह तो गंभीर चुनौती है। इसीलिए हमारे विधायक हैं, सत्र तो अभी नहीं है, लेकिन रात ही हमने जिस राज्य के गृह सचिव को और पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मैंने लिख दिया, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप करना, मुझको आता नहीं है। मेरे गांव में पत्रकार है दिल्ली के आज तक का, उसको मैंने बुलाया और रात ही मैंने, क्योंकि कल ही मैंने अपने जिला मंत्री को कहा कि आपका कार्यक्रम क्या है,
आपका जो भी कार्यक्रम रहे मैं जाऊंगा ही आधारपुर। कल मैं इसी होकर के आ रहा था, मुझे जाना था दर्शन से। देखा सड़क यहाँ हमको लगा तो फिर पिरोलिए बला किया कि इस दिन मुहानी पर काहे जाम हो जाएगा, तो हमको बहुत शंका हो गई। तो पता था आधारपुर जाम छे, काहे जाम हो गया आधारपुर, पता लगाते लगाते घटना के बारे में मालूम हो। तो तुरंत मैं जब पार्टी ऑफिस गया, जिला मंत्री को कहा, दोनों विधायक को खोजा, सुल्तान को भी, रामरतन बाबू, इतनी भारी बैठक थी कल जिला में, भारी बैठक के बार बार फोन करे रविंदर एलखिन हम मधुरापुर वाला, हाँ एलखिन हम की करिए भाई, एस पी के लिए, डीएम के लिए।